हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंजॉय लाइफ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और बस वही डेली रूटीन, सुबह हो चुकी है और सुबह सबसे उठ के बस मैं खाना वाने, मतलब जो खाने का काम रहता, मुझे लगता है मैं ये कंप्लीट कर दूं। जाती तो मैं 10:30 पे हूँ, बट यदि खाने का काम कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे देखिए कढ़ाई मेरे हाथ से खिसक गई थी, अच्छा हुआ तेल वेल नहीं गिरा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कान्हा जी के उठने के पहले मैं अपने खाने वाने का काम कंप्लीट कर दूँ, ताकि जब कान्हा जी उठें तो ब्रश व्रश करें, तब तक मैं फ्री हो जाऊँ सारे कामों से, ताकि फिर मैं उनको नहला वहला के और यूनिफॉर्म पहना के स्कूल के लिए रेडी कर सकूं। एंड सेकंड थिंग ये भी है कि जब कान्हा जी उठते हैं ना, तो उनका एक अलग डिमांड होता है उठने के बाद कि मम्मा आज मुझे ये भी ले जाना है। तो मैं जो कुछ भी बना के रखती हूँ, प्लस उसके साथ फिर मुझे अगर ज़्यादा ज़िद करते हैं तो फिर मुझे वो चीज़ भी बनाना पड़ती है। मीन्स एक हेल्दी और एक अनहेल्दी, इस टाइप से करके मैं सब्जी रोटी या सब्जी पराठे प्लस मैगी या सैंडविच ये रखती हूँ, क्योंकि कान्हा जी का स्कूल हो गया है 8:30 से 2:30 तक, तो इस वजह से मैं थोड़ा लंच ज़्यादा रख देती हूँ, ताकि पेट भर के बच्चा खा सके खाना। और घर से भी थोड़ा बहुत कुछ मैं, जो उनके मनपसंद का बन जाता है ना, तो वो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में भी खा के चले जाते हैं। तो अभी बस इस तरह से लाइफ चल रही है, थोड़ा मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है, एडजस्ट करने में, बट हाँ कुछ ही दिनों में फिर आदत हो जाएगी। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया है। और उल्लू बना पहले कर निकाल लिया जूस, और बस यहाँ से काम है, स्कूल से आ निकाल लिए, ये 5:30 बजे, और पी रहे हैं जूस, उसके बाद समोसा। तो आ गए ये स्कूल, और गाइस हम लोग करने के लिए बज रहे हैं, अभी 6:45 हो गया है, 6:45। अब हम लोग आए हैं, फेस कितना उतरा उतरा लग रहा है, मम्मा पतली हो जाऊंगी, मुझे लग रहा है मैं स्कूल जाऊंगी। तो तो यहाँ पे मैंने कान्हा को बिठाया स्टडी के लिए, तो मैं एक चैप्टर रीड करा रही थी कि रीडिंग कंप्लीट हो जाए। अब कान्हा फर्स्ट क्लास में आ गए हैं, तो रीडिंग बनना चाहिए उनसे भी, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड्स तो प्रोनाउंस कर लेते हैं, बट एक प्रॉपर चैप्टर की रीडिंग नहीं बनती है। तो ये था वीडियो।